ओम शांति। अमृत वेला हम सभी के लिए वरदान बन कर आता है, जबकि हमें रोज भगवान से बातें करने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। हम इस समय की इंतजार करते हैं कि कल फिर बहुत जल्दी अमृत वेला आ जाए और हम अपने उस प्रियतम से सच्चे मन की बात कर लें, जिससे बात करने के लिए हम युगों से तरसते थे, जिससे बात करने के बाद परम आनंद और परम सुखों की अनुभूति होती है। तो आइए हम सभी अमृत वेले का संपूर्ण सुख प्राप्त करें। ये समय सोने का नहीं होता, जिन सोया तिन खोया। इस समय सोने से हमारी अवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सवेरे यदि हम स्वयं को ईश्वरीय खुशी से भर लेते हैं, यदि स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न कर लेते हैं, तो सारा दिन हमारा एक सुंदर स्थिति में व्यतीत होता है। हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि सारा दिन हमें युद्ध क्षेत्र पर रहना है, सवेरे हमें अस्त्र शस्त्र और बारूद इकट्ठे कर लेने हैं, अपनी पूर्ण तैयारी कर लेनी है। अगर हम सवेरे तैयारी नहीं करेंगे तो युद्ध क्षेत्र पर हमारी हार संभव हो सकती है। इसलिए इस समय को हम उतना ही महत्व दें जितना बाबा ने इसको महत्व दिया है। इस समय की विशेष प्राप्ति ये है कि अमृत वेले के समय परम सद्गुरु के रूप में बाबा स्वयं हमें बहुत कुछ देता है, शक्तियां भी देता है, वरदान भी देता है, टचिंग भी कराता है, विशेष प्यार भी देता है। हम अपनी भूलों को उससे क्षमा करा सकते हैं, हम उससे कोई विशेष बात ले सकते हैं। जैसे मुझे विजयमाला में आना है, बाबा की इस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, क्योंकि उस समय बाबा भोलानाथ बनकर बैठा होता है, हमारे लिए होता है। और अमृत वेले और सारे दिन में ये अंतर रहेगा कि अमृत वेले तो बाबा अपनी ओर से हमें देता है, और सारा दिन हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसे लेने के लिए, जो कहीं कहीं कठिन हो सकता है। सवेरे हमारा चित शांत भी होता है, बुद्धि की लाइन भी क्लियर रहती है, वातावरण में भी शीतलता छाई होती है। इसलिए सवेरे उठना, बाहर एकांत में भ्रमण करना, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और श्रेष्ठ विचार क्रिएट करने के लिए भी अति उत्तम है। इसे ही निद्रा जीत अवस्था भी कहते हैं। निद्रा जीत का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम सोए नहीं, नींद पर संपूर्ण विजय हमारी हो जाए। नींद तो हमारी हेल्थ के लिए परम आवश्यक है। 6 घंटे की अच्छी नींद हमें सदा स्वस्थ रखने में, मन को भी तंदुरुस्त रखने में बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए अपनी नींद को तो बहुत काटना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी नींद आ जाए तो 5 घंटे भी काफी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सारा दिन हमारा कार्य कैसा है। तो हम सवेरे उठकर ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर करने लगें और ऐसा रोज बाबा से मिलन करें कि आत्मा एक बार रोज सवेरे तृप्त हो जाए। ये तृप्त स्थिति हमें लंबे समय तक सुखों का अनुभव कराएगी। तो आइए आज हम सभी अभ्यास करेंगे। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप में हम चक्र लगाएंगे, बहुत सुंदर अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। देखें हमारे लेफ्ट साइड में हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारा आह्वान कर रहा है, राइट साइड में हमारा देव स्वरूप हमें इशारा कर रहा है, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अपने इस देह से निकली और फरिश्ते स्वरूप में जाकर प्रवेश कर लिया, मैं बन गया फरिश्ता, बिल्कुल लाइट, आत्मा भी लाइट, देह भी लाइट।
का। कुछ देर इस फीलिंग में रहेंगे, फिर यहां से मैं आत्मा निकली, देव स्वरूप में प्रवेश कर लिया, मैं प्रत्यक्ष में रियल में देव स्वरूप में हूँ। सिर पर डबल ताज है, डिवाइन फेस है, कंचन काया है। फिर वहां से मैं आत्मा निकली, वापिस ब्राह्मण शरीर में। ये ड्रिल हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।